प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने अस्पताल प्रबंधन को आड़े हाथों लेते हुए उनकी हक व आवास को दबाने के आरोप लगाए हैं, जहां आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर राहुल राव पर भी सुरक्षा कर्मियों ने तानाशाही के गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां सुरक्षा कर्मियों ने अपने मुख्य तीन मांगों को पत्रकारों से साझा किया, जिसमें आईजीएमसी में बायोमेट्रिक मशीनों में सभी की एक समान हाजिरी, कोविड काल में सुरक्षा कर्मियों को जारी की गई अतिरिक्त राशि के जल्द भुगतान व मौलिक अधिकारों के तहत अपनी मांगों को पुरजोर तरीकों से पत्रकारों के मध्य रखा। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से जल्द अपनी मांगों के ज्ञापन सौंपने से लेकर आईजीएमसी प्रशासन को मांगों के न मानने पर आंदोलन की भी चेतावनी सुरक्षा कर्मियों ने दी है। हमारा ये मुद्दा है, शायद हिमाचल में पहली बार ये सब होने को हो रहा है, जो दिख रहा है आज, जो यहाँ के एमएस हैं डॉक्टर राहुल राव, उनका कहना है समस्त सुरक्षा कर्मियों को कि उन्हें जय हिंद ना की जाए। अस्पताल में जो भी इंसान, जो भी हमारा, जो भी गार्ड अगर उनको जय हिंद करेगा तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और जय हिंद करना प्रतिबंध लगा दिया कि उनके कोई भी जय हिंद ना करे। मैं एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते ये जय हिंद तब तक हम बोलते रहेंगे जब तक हमारी आखिरी सांस होगी। एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमें हिंदुस्तान तक, अगर राष्ट्रपति भी है वो भी हमें मना नहीं करेंगे कि आप जय हिंद ना करो। और दूसरी बात हमारी ये है कि हमें बायोमेट्रिक लगाई गई, बायोमेट्रिक मशीन सिर्फ सिक्योरिटी को लगाई गई। मैं चाहता हूं कि प्रशासनिक अधिकारी को भी ये हो और जो सैनिटेशन का कार्यभार डॉक्टर राव जिसके इंचार्ज हैं 10 साल से, उनके लिए कभी उन्होंने बायोमेट्रिक नहीं लगाई, सिर्फ सिक्योरिटी के लिए लगाई। अदर किसी भी स्टाफ को बायोमेट्रिक नहीं है, ये भेदभाव आज नहीं 2016 में भी पहली बार हुआ था जब वो ड्यूटी एमएस थे। और तीसरी बात यह है, जो कोविड काल में सभी वर्करों को कोविड का पैसा मिला हुआ है, 1500-1500 रुपए सभी वर्करों को मिल चुका और हमें नहीं मिला है। हमें इस बात से, हम मिलने भी गए इनसे, ये इनका मना कर रहे हैं कि हमें जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको नहीं मिलेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कोविड में जब सबसे पहली डेथें भी हुई थी, कोई हाथ लगाने को राजी नहीं था, उस समय हमारे सुरक्षाकर्मियों ने बॉडियों को उठाया, गाड़ी में डाला, शमशान घाट तक चले गए। तो ये भेदभाव सिर्फ आईजीएमसी में सिक्योरिटी के साथ क्यों हो रहा है? प्रवीण जी, अगर बात करें पूरा मामला क्या हुआ है, जिस तरह से आप कह रहे जय हिंद ना हमें जो मना की गई, मामला पूरा क्या हुआ, कहां से ये बात? ये ऑर्डर की कॉपी है आपके पास? देखिए जी, ऑर्डर की कॉपी नहीं है। उन्होंने भरी सभा में लोगों के सामने टोका तब जब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का संडे को यहाँ दौरा था जी, और रूटीन चेकअप के लिए आए थे, उनका टेस्ट थे, उस दौरान हमारे गार्ड जैसे जय हिंद करते हैं तो उनको जय हिंद की। उनका कहना है उस समय यह था कि मुझे जय हिंद नहीं करनी है, जय हिंद को यहाँ बंद कर दो आप लोग, ये कोई जय हिंद नहीं चलेगी यहाँ का। एमएस ने बोला या सुक्खू ने बोला? जय हिंद एमएस साहब ने बोला है, डॉक्टर राहुल राव ने। सरकार सही होती है जो सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी जब कुर्सी में बैठता है तो उसको इस तरह के जो गुंडागर्दी वाली चीजें दिखती है, ये चीज गलत है। सरकार कभी गलत नहीं बोलती इनको कि आप गुंडागर्दी करो या जय हिंद पर लगाम लगाओ। मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में रह के हमें इस हिमाचल के साफ सुथरे स्टेट में, अगर हमें भारतीय नागरिक होने के बाद भी अगर जय हिंद पर रोक लगाए तो इस बात की तो मैंने पूछा नहीं कि जय हिंद बोलने से क्या आपत्ति है उनको। नहीं सर, उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि मुझे नहीं बोलना है। जब हमने पूछने की कोशिश की सर आपको आपत्ति क्या है, जय हिंद तो हमें स्कूल टाइम से ही, जब बच्चा स्कूल में जाता है उस टाइम से ही जय हिंद बोलते हैं, लेकिन उनका कहना कि मुझे नहीं करना है। आगे क्या रणनीति रही आपकी? आगे रणनीति सर हमारी ये रहेगी, हम सरकार के समक्ष ये मांग रखते हैं भाई, आप जो कार्यवाही बनती है ऐसे अफसरों के ऊपर जो हिंदुस्तान के लिए, जो जय हिंद बोलने के लिए ही प्रतिबंध लगा रहे हैं, जो तानाशाही कर रहे हैं ऐसे ऑफिसों में बैठ के, एक छोटे मजदूर को जगा रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये उचित नहीं है। इसके लिए आप कार्यवाही करें। अगर हमें इस मौके पे अगर धरना प्रदर्शन करना पड़े, हम चाह नहीं रहे कि हम ये चीज करें, तो बस तक हम चुप हैं। अगर फिर भी नहीं मानेंगे, अगर ऐसे रवैया रहा तो हम जल्द आगामी कार्यवाही करेंगे। मुख्यमंत्री को शिकायत पत्र भी सौंपेंगे? जी सर, हम मुख्यमंत्री साहब से श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को इसके बारे में एप्लीकेशन देंगे, उनसे बात करेंगे। तो ये हमारा विषय। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या आप हड़ताल पे जाएंगे, क्या रहेगा? हम हड़ताल में जाने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल हमारी मीटिंग हो चुकी है। अगर ऐसा ही रवैया रहा तो हम बहुत जल्दी ही धरने प्रदर्शन के और अग्रसर हो जाएंगे।